आपको मालूम है कि औसतन हिमाचल प्रदेश में जो एक्सीडेंट्स हैं उसका 50% एक्सीडेंट हमारे नेशनल हाईवेज पे होते हैं और बाकी एक्सीडेंट हमारे ग्रामीण इलाके में हो रहे हैं। और ये पाया गया है कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो है उनका कारण जो है मानवीय चूक है। अब इस 15 तारीख से हिमाचल प्रदेश में कंपेन चलाने जा रहे हैं, 4 चरणों में वो कंपेन चलेगी। काफ़ी लोग HRTC को ही ट्रांसपोर्ट समझते हैं और जब आप खबर करते हैं उसमें भी ये कहते हैं कि HRTC इतना रेवेन्यू कमाएगा। तो HRTC एक हमारी कॉरपोरेशन है ट्रांसपोर्ट की, आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो कि पूरे प्रदेश में जिसकी एग्जिस्टेंस है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसका जिम्मा है। और सबसे पहले हम रोड सेफ्टी की बात करना चाह रहे हैं कि मानवता के एंगल से, और हिमाचल प्रदेश में किस ढंग से हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर पाए इस पे हम लगातार मंथन कर रहे हैं, लगातार हमारा चिंतन चल रहा है। और आपको मालूम है कि औसतन हिमाचल प्रदेश में जो एक्सीडेंट्स हैं उसका 50% एक्सीडेंट हमारे नेशनल हाईवेज पे होते हैं और बाकी एक्सीडेंट हमारे ग्रामीण इलाके में हो रहे हैं। और ये पाया गया है कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो है उनका कारण जो है मानवीय चूक है। मेजॉरिटी में जब हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो मानवीय चूक या मनुष्य से जुड़े हुए जो पहलू है उनको नज़रअंदाज करके ये एक्सीडेंट फैटल साबित होते हैं। तो हम इस 15 तारीख से हिमाचल प्रदेश में कंपेन चलाने जा रहे हैं, 4 चरणों में वो कंपेन चलेगी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हिमाचल प्रदेश के हर सेक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करें और उनको एजुकेट किया जा सके या फिर जो सुधार होना है वो हम कदम उठा सकें। और ख़ास तौर पे जो हमारे जहाँ पे एक्सीडेंट टाइम एंड अगेन हो रहे हैं उन पॉइंट्स को चयनित करने का जो है हमने आदेश दे दिए हैं पूरे प्रदेश में कि कहाँ कहाँ जो है ये ब्लैक स्पॉट्स हैं, ताकि जहाँ पे 3 बार 4 बार 5 बार एक ही स्थान पे एक्सीडेंट हो रहा है उस स्थान का चयन करके उसको हम जो है सुधारवादी वहाँ पे कदम उठा सकें। तो ये प्रक्रिया भी हम जिला प्रशासनों की मदद से जो है शुरू कर रहे हैं, PWD की मदद से शुरू कर रहे हैं। और जहाँ तक हम वैसे स्कूल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, सारे स्कूलों में कोशिश हमारी चल रही है कि उन तक पहुंचा जाए। और जैसे हमने अभी आपको कहा कि आपके लाइसेंस बने, जो भी बच्चे 18 साल के हो गए हैं हम उन तक रीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइसेंस बनाएं, और नहीं तो घर से गाड़ी लेके जाते हैं, आगे कोई पुलिस रोक लेती है या कोई और दुर्घटना हो जाती है
तो हमारा अपना कंपेन चल रहा है कि हम स्कूलों तक भी अपनी रीच बनाएं और उनके लर्निंग लाइसेंस तो अब घर बैठे बन जाता है, अब आपको ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है।